हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल हब में। तो लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। तो आज की वीडियो रहने वाली है एक नए अपडेट की, जो कि हमने 3D बंडल निकाला था वो आज हम एक और नया अपडेट लेकर आए हैं आपके सामने। तो आज मैं आपको कुछ गाइड भी करूँगा साथ ही, और आपको मैं बताऊँगा कि कौन सा आज हम आपको फाइल देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ पे आपको दिखा देते हैं। जैसे कि ये आपको शो हो रहा है, ये हमारी की होल्डर की फाइल्स है। काफ़ी सारी आपको फाइल्स मिलने वाली हैं कुछ अलग अलग तरीके से। तो गाइड मैं इसलिए करने वाला हूं क्योंकि आप अगर एक फाइल आपने देख रखी है तो इसके हम कई सब पार्ट्स बना सकते हो। कैसे, किस तरीके से, वो भी मैं आपको मैं बताने वाला हूँ। की होल्डर के हमने काफ़ी पार्ट्स दे रखे हैं और साथ ही हमने कुछ अलग से वैक्टर डिज़ाइंस भी दिए हैं, जिससे कि उसकी मदद से आप कई एक नए डिज़ाइंस अपना तैयार कर सकते हो। कुछ रिलीजियस वेक्टर्स के भी दे रखे हैं, जिसमें आप दिवाली भी आने वाली है, आप दिवाली भी आप देख सकते हो कि दिवाली से भी आप काफ़ी क्रिएटिविटी के साथ अपने डिज़ाइंस तैयार कर सकते हो। अपना मंदिर के लिए, इंग्रेविंग के लिए, अपना कुछ भी नाइट लैम्प बना सकते हो, या फिर कार के लिए हैंगर बना सकते हो, अपना कुछ भी बना सकते हो। कुछ हमने वैक्टर से काफ़ी डिज़ाइंस हमने दे दिए हैं। तो पहले भी हमने काफ़ी वैक्टर डिज़ाइंस दिए थे और आज भी हम आपको वैक्टर के साथ साथ अपना की होल्डर भी, की हैंगर भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। काफ़ी सारे आपको मिलने वाले हैं। तो आपको पता है कि ईमेल तो आपको मिल ही जाएगी अगर जिसने भी बंडल लिया है। और अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हम गाइड करेंगे, तो आपको जैसे कि आपने क्या करना है कि ये थिकनेस अगर आपकी कितने mm की है, 4 mm की है, 5 mm की है, तो वो आप अपने हिसाब से चेंज करना जानते हो। क्योंकि मैंने हर वीडियो में अब बता रखा है पिछली वीडियोज़ में कि कैसे आप चेंज कर सकते हो थिकनेस 3 mm से 4 mm, 2 mm से 2.7 mm, या फिर अपना कोई भी अगर कम ज़्यादा जितने भी आपको थिकनेस करना है वो कैसे कर सकते हो आसान तरीके से, मैंने बहुत बता रखा है पहले ही। तो वो भी 3D मॉडल के, जैसे कि आप राम मंदिर में प्रीवियस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो कि आपको पता लग जाएगा कि कैसे आप कर सकते हो थिकनेस चेंज। तो उसकी मैं बार बार मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो आई बटन पर आप क्लिक करोगे तो श्री राम मंदिर की एक हमने 3D मॉडल की, केदारनाथ मॉडल की हमने बना रखी है। तो उस पर आप देख दो तीन बार अलग अलग वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि कैसे थिकनेस चेंज करी जाती है। और अब हम फाइल को जैसे अगर हम चेंज करना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम ये फाइल को या फिर कोई भी XYZ हमने फाइल को, इस वाली फाइल को उठाई, तो पहले आपको क्या करना है कि समझना है फाइल को कि कैसे हमारा कहाँ क्या चीज़ लगेगी। क्योंकि आपके लिए पहले एक फाइल अनजान होगी, मतलब कि बहुत ही मतलब कि न्यू होगी, ठीक है, कि आपने पता है कि ये हमारी कहाँ लगनी है। तो नॉर्मली हमने आपको मैंने ऐसा ही कुछ इस तरीके से दिया है तो आखिर आपको समझ आ जाए। अब जैसे कि हमने पहले ब्रेकअप पार्ट कर लिया, ब्रेकअप पार्ट में सारे पार्ट्स अलग हो जाएंगे, जैसे कि आपको पता ही है ब्रेकअप पार्ट्स में सारे ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने हर एक पार्ट को कम्बाइन कर लेना है। तो ज़्यादा नहीं, अलग अलग कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे कि ये सारे हमने कम्बाइन कर लिए कुछ इस तरीके से, अब हमने इस तरीके से, और ये आप होल अपने ही अकॉर्डिंग चेंज करोगे। जैसे कि ये जो हमारे होल्स हैं, जो इसके अंदर आपकी कीज़ लगेगी, जो अपना लॉक लगेगा, जो कि अपना जो 25 पैसे के मिल जाते हैं, तो वो आपको अपना लेके अपना कहीं भी कर सकते हो। अब मैंने बोला था इसको हम कैसे पहले देखेंगे कि कहाँ हमारी क्या चीज़ फिट होनी है। अब पहले आप फाइल को समझो, जैसे कि ये जो चीज़ है हमारी नीचे की तरफ फिट होगी, जैसे कि ये हमारे लॉक्स यहाँ पर, क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से लगा रखा है। अब ये जो चीज़ है हमारा इधर लगेगा, ये जो चीज़ है हमारा इधर लगेगा, ये हमारा इधर लगेगा और ये हमारा इधर लगेगा, जिससे कि आपको ये वाला जो हिस्सा है वो इधर लगेगा और एक हिस्सा हमारा इधर लगेगा, एक हिस्सा हमारा इधर लगेगा, ठीक है। और ये जो हमारा हिस्सा है वो इधर लगेगा, ताकि हमारा कोई पार्ट हमारा इधर से उधर ना हो। ये बस ये खाली पेन के लिए है। अगर आपको चाहते हो कि अगर आप अलग सा डिज़ाइन चाहते हो तो वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सर्कल को बस आपने हटा देना है। उसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी अपना डिज़ाइन तैयार करना है, तो डिज़ाइन तैयार करने के लिए कोई भी अलग शेप ले लेनी है। तो इस तरीके से आप शेप भी ले लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने सर्कल ले रखा था, सर्कल ही सही लग रहा था, क्योंकि उसमें क्योंकि पेन पूरे आसानी से पेन होल्ड हो जाएंगे। तो बैक करके हम सर्कल ही लगा देते हैं। सर्कल इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना सर्कल में बनाना बैठूँ, तो इसी को हम कॉपी पेस्ट करके अपना कर लेता हूँ, डुप्लीकेट करके कर लेता हूँ, क्योंकि ये सारे हमारे सेम ही हैं लगभग लगभग। तो बस हमारे लुक चेंज है, काफ़ी सारे इसमें हमारा ये चेंज है, ये चेंज है, ये चेंज है, तो ये चेंज है। खांचे हमने बहुत मजबूती वाले दिए हैं, 4 mm की फाइल्स होंगी और 3 mm की भी फाइल्स होंगी, लेकिन 3.2 mm की शीट होती है जो आप 3 mm की बोलते हो। तो उसमें अगर आपको चेंज करना है, जैसे कि ये हमने डिलीट कर दिया हमने,
अब जैसे कि ये पहले इसको मैं आउटलाइन कर देता हूँ। अब मान लीजिए ये जो हमारी ये फाइल है, ये इसको हमने लुक चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें हमने कोई भी, आपको मैंने पहले ही बताया कि वेक्टर फाइल्स, हमने वेक्टर डिज़ाइंस दी हैं, तो अपना कोई भी अपना इस तरीके से डिज़ाइन आपने कॉपी करना है। कॉपी करना है, कॉपी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आपका आसान रहे, कोई यहाँ से अगर आप यहाँ से लेके जाओगे तो वो आपका डिलीट ना हो जाए, मतलब हट ना जाए इस तरीके से। अब पहले एक चीज़ और देख लेना, नोटिस कर लेना। अब जैसे कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, पहले इतना सेट कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से सेट कर लेते हैं। ये हमारा अब सेट हो चुका, ठीक है। अब हमारे को देखना है कि बराबर आ रहा है, ठीक है, ओके है, तो ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, ये हमने बाहर रखा, तो ये जो चीज़ है इसको हमने थोड़ा सा हमने आउटर निकाल दिया कुछ इस तरीके से, और एक इस तरीके से हमने, ठीक है, कुछ इस तरीके से। बस आप ध्यान रखना, आप इन दोनों को क्या करेंगे, वेल्ड कर देंगे ताकि ये हमारी ये जो चीज़ें हैं वेल्ड हो जाए। अब हमने क्या किया, इसकी हमने रेक्टेंगल जो देख रहे हो, अब इसकी हमने थिकनेस बढ़ा दी। थिकनेस हमने कितनी बढ़ा दी, हमने 2.5 कर दी। तो इसके बाद हमने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट क्या दबाया, तो जिससे कि हमारा थिकनेस ये हमारे आउटलाइन में कन्वर्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट शेपिंग बाउंड्री, इसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद हमने क्या किया, ब्रेक अपार्ट, ब्रेक अपार्ट, तो हमने ये सारा डिलीट कर दिया। ये हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया लास्ट में कुछ इस तरीके से। लेकिन इसके बाद हमने क्या किया, ये जो चीज़ हमने पार्ट है वो यहीं रख दिया सेंटर में, इसके सेंटर में, और ये हमने कंबाइन कर दिया कुछ इस तरीके से, हमारा डिज़ाइन आ गया, देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अभी हमने क्या किया है, शेप टूल पे जाके हमने कुछ इस तरीके से कर दिया है, शेप मतलब नई शेप निकाल दी है ताकि हमारा बाउंड्री ले ले कुछ इस तरीके से। अब देखो जो बचेगा वो हमारा इस तरीके से आएगा। लेकिन अब देखो हमारे को ये चाहिए भी, ये भी अंदर वाला पार्ट भी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका है हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे या वेल्ड कर देंगे। अब क्या बताओ क्या करेंगे, हम वेल्ड करेंगे, ठीक है। ट्रिम करोगे तो आपका वो चीज़ है हमारा कट जाएगा, लेकिन हमने क्या करना है, पीछे वाली शीट के साथ वेल्ड करना है। तो ये चीज़ हम वेल्ड कर देंगे। अब ये सभी को हम इसके साथ वेल्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। वेल्ड करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा वो अंदर का भी पार्ट आ जाएगा और एक हमारे नई लुक क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम डिलीट कर देंगे, एक नया डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया कुछ इस तरीके से, बन गया है हमारा, ठीक है। ये हमारी एक अलग फाइल बन गई। अगर आपने क्या करना है तो इसके ऊपर भी एक नया डिज़ाइन देना है। तो मान लीजिए आपने एक सॉरी मैंने क्या ले लिया, सर्कल ले लिया। तो इसके बाद आपने क्या करना है, एक नया डिज़ाइन देना है। तो नए डिज़ाइन के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको ओवल राउंड शेप में दे दिया, ये आ गया। हमने वेल्ड किया तो ये हमारा ये भी वेल्ड हो गया, लेकिन थोड़ा सा हम ऊपर करके वेल्ड कर देते हैं या फिर अपना इसको ब्रेक अपार्ट करके वेल्ड कर देंगे तो कुछ नहीं होएगा, खाली हमारा सिंपल वेल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये जो चीज़ है हमारा यहाँ वेलकम होम, और यहाँ पे मैंने स्टेंसिल दे दिया, फॉन्ट जो है स्टेंसिल दे दिया, जिससे कि हमारा कुछ इस तरीके से हो जाए। अब हमने सारा कंबाइन कर दिया, तो क्योंकि हमारी एक पूरी फाइल हो गई, तो भी ले लेते हैं। तो अब हम एक बार कलर करके मैं आपको सारा सिस्टम बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो ये हमारा इधर लगेगा, ये हमारा इधर लगेगा, जैसे मतलब लोकल ही रहेगा डिज़ाइन, मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से ही आपको करना है। थिकनेस की मैंने बता दिया कि आपको थिकनेस कैसे चेंज करनी है। अगर आपको उसका एक अलग वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये फाइल चाहते हो तो व्हाट्सअप करें, नंबर आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें न्यू अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।